ये बंदा मंथली 30 से 40 हजार रुपये घर बैठे कमा रहा है, आखिर किस कैटेगरी में वर्क कर रहा है, फुल डिटेल से बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले आप प्रूफ देख लो, तब हम बात करेंगे आगे क्या क्या आपको इसमें करना होगा। देखो इसकी जो स्टार्टिंग अर्निंग होती है वो $200 से ज़्यादा होती है, $200 मान के चलो 16 हजार से ऊपर। अगर हम बात करें कितना कमा लेता है तो $1000 तक इन मंथली कमाता है। $1000 कितना होता है मैं आप लोगों को खुद दिखा देता हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बताने वाला हूँ, प्रूफ देखो आप लोग। $1000 होता है अपना 83 हजार रुपये करीब होता है, इस समय 83 रुपये चल रहा है। अब देखो इधर मैं सिंपल सा 1000 लिख देने वाला हूँ, उसके बाद अर्निंग अपनी शो कर देगी। देखो कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है 83,314 रुपये, ये मंथली अर्न कर रहा है इस तरीके के कॉन्टेंट्स बना के। आखिर कौन सा कॉन्टेंट है, जो कॉन्टेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये अभी के टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग कॉन्टेंट है। आप इस टॉपिक पर वीडियोस बना देते हो तो आपके लिटरली काफ़ी वीडियोस वायरल होगी। अगर आप फेसबुक पर अपलोड करते हो ना, आपकी 100% काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि लोग फेसबुक पर ज़्यादा इस तरह कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब पर भी देखना पसंद करते हैं बट थोड़ा कम, फेसबुक आपको यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग प्रोवाइड करता है। सो उस पर तो जरूर अपलोड करना है इस तरह कॉन्टेंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस कंटेंट में आपको कैसे वर्क करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। पहले आपको मैं कुछ चैनल्स दिखा देता हूँ जो इसी तरह कंटेंट बना के काफ़ी अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। चलो फिर देखते हैं उनके सब्सक्राइबर कितने हैं और कितने उनके व्यूज आते हैं। सो अभी मैं अपने यूट्यूब पे आ चुका हूँ, इधर मैं सर्च वाला जो ऑप्शन है इधर लिख देता हूँ क्रिकेट गेम प्ले, उसके बाद क्रिकेट के सारी वीडियोस आ जाने वाली जो क्रिकेट के रिलेटेड है। सबसे टॉप पे जो बंदा है इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करता है, आज दिन पहले अपलोड किया था, 1.5K से ऊपर व्यूज जा चुकी है। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और लोगों को देखते हैं, देखो 2.7 मिलियन एक महीने के अंदर व्यूज गई है। अब हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो काफ़ी सारी वीडियोस आ रही है यार। ये देखो अगर शॉर्ट में अपलोड करते हो तो 1 मिलियन, ये देखो 300K 600K 300K इस तरीके के भाई इसमें व्यूज आते हैं। आप अर्निंग तो समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा होता होगा। थोड़ा शॉर्ट में नीचे स्क्रॉल करता हूँ, अब देखो इस चैनल की भी आप अर्निंग चेक कर सकते हो। इस तरीके की वीडियो में लिटरली काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है। मैं कोई भी एक चैनल खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं किस तरह। जैसे कि मैं इस बंदे का सिंपल सा वीडियो प्ले करता हूँ और देखते हैं इस पर क्या क्या करता है जो आपको भी करना होगा। देखो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए आपको कमेंट्री का यूज़ करना होगा। अगर आप अपना फेस नहीं दिखा सकते ना, फिर भी कोई बात नहीं, सिंपल से जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, आपको गेम खेलते खेलते कुछ ऐसे ही बोलना है। देखो क्रिकेट का ऐड भी आया था, अगर क्रिकेट से रिलेटेड ऐड आता है तो आपकी रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको 1000 व्यूज़ के 400-500 रुपये मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 1000 व्यूज़ तो आप आराम से ले आ सकते हो। देखो अभी ये गेम स्टार्ट हो गया, अभी ये बंदा सिंपल सा बोल रहा है। आपको पहले इसी तरह यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देख लेनी, क्यों किस तरह बोलते हैं, किस तरह बात करते हैं, क्या क्या बोलना है हमें, सब कुछ वो आपको सिखा देंगे। बाकी मैं इसमें आपको कंटेंट कैसे अपलोड करना है ये बताने वाला हूँ। आपको सिंपल से क्या करना है, जो मैच में चल रहा है ना वही चीज़ बोलना है और कुछ नहीं करना है। हम इधर से कट करता हूँ और आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको कैसे इस पर वर्क करना है वो चीज़ बताता हूँ। आपको सिंपल सा प्ले स्टोर पर चले जाना, आप प्ले स्टोर पर चले जाओगे तो देखो आपको एक गेम डाउनलोड करना होगा। वैसे अभी आप लोगों ने देख लिया इसी गेम को डाउनलोड करना है। क्रिकेट गेम्स देखोगे तो काफ़ी सारी गेम्स आ जाने वाली है। और हाँ, जिसका 8 GB से ज़्यादा रैम का फ़ोन है, जैसे कि 8 या 16 GB का, सो वो जो है 1 GB से ऊपर की गेम डाउनलोड करना। जिसका उससे नीचे गया ना, सो 1 GB के अंडर गेम डाउनलोड करना, आपको लैग लूप नहीं देखने को मिलेगा। बट जो 1 GB से ज़्यादा गेम को डाउनलोड करता है उसकी ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। सो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, उनको थोड़ी रियलिटी वाली फीलिंग आएगी। बट एक गेम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सिंपल्स क्या करना है, ये जो 3D वाला गेम है, T20 क्रिकेट चैंपियन 3D ऐसा कुछ नाम है इसका, सो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, उसके बाद देखते हैं गेम में क्या होता है, कैसे आपको क्या क्या करना होगा। देख सकते हो अपनी गेम जो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरी एज वगैरह पूछेगा, अगर पूछता है तो बता देंगे, वरना कोई बात ही नहीं। देख सकते हो ये आ चुका है, अब आगे जल्दी चलो हम गेम को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इसने पूछ लिया तो मैं इधर सिंपल सा 2000 क्लिक करके ओके कर देता हूँ, आइए एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब देखो T20 गेम तो अपनी स्टार्ट हो चुकी है, बाकी ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पिछले मैच में भी हमने काफ़ी धमाकेदार वीडियो बनाई थी, इस मैच में भी काफ़ी इसी तरह आपको बोलता है, नया गेम प्ले नहीं कर रहा मैं, सिंपल सा देखो आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब इस बार भी टूर्नामेंट हम लोग खेलने वाले हैं। देखो अब 50 कॉइन अपना मांग रहा है ना, तो मैंने 50 कॉइन इसे पे कर देना है। अब मैंने अभी पे कर दिया, बाकी इस बार देखते हैं हमारा किसके साथ मैच होने वाला है। मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है। भाई इस समय तो दबा के हम इसको बैंड बजाने वाले हैं। देखो अब आगे क्या करते हैं, चलो मैच को अब आगे बढ़ाते हैं। अब अपने पास काफ़ी सारे स्टेडियम्स है, जैसे ये देखो अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मोहाली हो गया, राजकोट हो गया। सो अपने वो राजकोट का मैं फ्री में देखने को मिल रहा है, सो उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में इंट्रो के लिए आप जैसे शूटिंग होती है ना वैसा कुछ अभी दिखाएगा, इसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। देखो इसे आपको सिंपल सा रिकॉर्ड करना है। अब टॉस अपना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं कौन जीतता है, भाई हमारे पक्ष में आता है कि नहीं। सो अभी मेरे ख्याल से हम जीत चुके हैं, नहीं लॉस हो चुके हैं यार। हमने क्या करना है, इसको 150 कॉइन जो है दे देना है, क्योंकि मुझे बैटिंग नहीं चाहिए, मुझे बॉलिंग चाहिए, और वो कुछ भी दे सकते हैं। सो
आई डोंट इंटरेस्ट, आप देखो क्या करते हो भाई, अपना मैच हो चुका है स्टार्ट, अब देखते हैं आगे हमारा कैसा रहता है मैच। अब मुझे तो लगता है हम काफ़ी ज़्यादा बैटर करने वाले हैं। अब इसी तरह यार आपको बस बोलना और प्ले करना और कुछ भी नहीं करना है, एडिटिंग कैसे करनी मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखो अपनी मैच स्टार्ट हो चुकी है, अब सिंपल सा ये मैं इधर इसको रेड डॉट रख के, मेरे ख्याल से वाइट जाने वाली है, बिल्कुल वाइट जाएगी। हाँ वाइट नहीं भाई, मार दिया इसने, क्या बात है, पहली बॉल पे चौका, गजब भाई, पहली बॉल अपना चौका जा चुका है। इसी तरह के अगर ये क्रिकेट खेलते रहे तो भाई ये जीत जाने वाले। इसे थोड़ा मैं आगे करके वापस से एक बार प्ले कर देता हूँ, सिंपल से मैंने इसे वापस से प्ले कर दिया है। आपको सिर्फ इसे रिकॉर्ड करना और इसी तरह बोलते जाना है, भाई क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है और देखने में मज़ा आता है, प्ले करने में तो बिल्कुल मज़ा आता है। अगर उसमें आपकी कमेंट्री बढ़िया रही ना तो लोग ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट होंगे, आपको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इससे आपको काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स भी आ सकते हैं अगर आप इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो तो। लिटरली काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी लोगों को अभी भी आते हैं। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो शॉर्ट भी बना सकते हो। मैं वापस एक बार प्ले कर देता हूँ इसे, सो अभी मैंने प्ले कर दिया है, सो आउट है, नोट आउट। रिव्यू यार रिव्यू, मुझे रिव्यू चाहिए, ये नोट आउट दे दिया यार, ऐसे थोड़ा ना नोट आउट होता है, बताओ भाई अपना ऐसे ऐसे काम होगा। वर्ल्ड कप में भी ऐसे कर दिया था, रोहित शर्मा को ऐसे ही आउट कर दिया था, ऐसा नहीं होता भाई, रिव्यू वगैरह मांगना चाहिए। एक बार हम आउट करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। एक बॉल आउट करके मैं आपको एडिटिंग सिखाता हूँ। अब सिंपल से मैं वापस से बॉल करा, इस बार तो आउट पक्का होने वाला है क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल टारगेट पे फिक्स किया हुआ है। आउट, कैच इनसे कैच ही तो नहीं पकड़ा जाता है भाई, पता नहीं इनको क्या हो गया। चलो भाई बहुत हो गया, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको एडिटिंग करनी होगी, एडिटिंग वगैरह कैसे करनी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से मैं इसे कट करता हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं क्या होता है। देखो इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल से किसी भी एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके एडिट करना होगा। अब मेरी जो क्लिप थी ये ग्लिप वाली क्लिप ये रही, इसे मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम एडिटिंग करते हैं। अब देखो आपको सिंपल से बिल्कुल सिंपल एडिटिंग करना है, उसमें कुछ नहीं बोला यार, क्योंकि आप कमेंट्री तो वैसे भी अगर बाहर से करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी, अगर वैसे करना चाहते हो तो दोनों तरफ से पॉसिबल है। मैं इसे थोड़ा आगे करता हूँ, इससे थोड़ा सा और, ये अपना मैच इधर से स्टार्ट हुआ था ना, जहाँ से मैच स्टार्ट हुआ तो वहीं से हम लेने वाले हैं। ये ठीक है, थोड़ा आगे ठीक है, अपना ये टॉस वाला जगह इधर से मैं थोड़ा सा पीछे करूँगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वो अपने तीन चार स्टेडियम आए थे। अब मैं इसे कट करता हूँ, ठीक है, इधर मैं कट लगाता हूँ, पीछे वाले सारी अपनी जो इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं साइड कर देता हूँ अभी। देखो अब क्या करना है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, इससे क्या होगा कि जो मैच के जो ऊपर ये आ रहा है इसको, चल भाई तो साइड हो, पहले मैं इसे जूम करता हूँ फिर आगे का प्रोसेस आप लोग को समझाता हूँ क्या। ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, टॉप टू स्टार्ट कंटिन्यू ऐसा कुछ, इसे हमें नहीं लाना है। देखो आगे इसमें दिखा रहा है हम हार चुके हैं, सो हमें ये नहीं करना है, इसे हमें कट करना है। इस तरीके के जो क्लिप्स होगी उसे आपको सिंपल सा कट करना है, इसे मैंने कट कर दिया है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, वे बैटिंग या बॉलिंग बोलेगा ना। अब देखो यहाँ से मैच अपना स्टार्ट हो रहा था ना, अब ये वाले सीन आपको वापस से रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि ये है बैटिंग या बॉलिंग, यू वन सिलेक्ट वन कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं एक बार, इसको नहीं कट करना, हमें ये वाला कट करना है। चलो ये कट हो चुका है, अब जो वो टीममेट्स आ रहे हैं ना उनका हमें देखना है। अब ये ठीक है, मैंने बॉलिंग सेलेक्ट किया है, अब इसको अपने को चाहिए होगा, इसे भी लेता हूँ मैं, इसे कट करता हूँ। इसी तरह आपको सिंपल से अपना थोड़ा दिमाग लगाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, जितना अट्रैक्टिव आप बना सकते हो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है इसको भी आपको वापस से कट कर देना, आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ना है। एडिटिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना कि आपकी वीडियो में जो भी एडिट करोगे कोई भी क्लिप ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि आप गेम खेल रहे हो। अब मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ, ये रही अपनी बॉलिंग, थोड़ा सा आगे, जब दौड़ते हुए जाता है ना तब हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जा। देखो मैच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसे कट करता हूँ, ठीक है, ये कट किया, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। इसी तरह आपको भी करना है यार, और कुछ नहीं करना। देखो ये भागते हुए जा रहा है, फिर दूसरी बॉल कराएगा, चौका चला गया है। देखो भाई पहली बॉल अपनी चौका गई थी, बहुत ख़राब बात है ये। इसे वापस हम कट करते हैं, सेट कर चुका हूँ थोड़ा सा पीछे। सिंपल से यार आपको इसी तरह एडिट करना है, मैं एक बार आपको प्ले करके भी दिखा देने वाला हूँ, पहले एडिट कर लेता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ अपनी वीडियो कैसे बन के आई है। मैंने वीडियो को कर लिया एडिट, अब आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है, बढ़िया सी कमेंट्री करनी होगी। कमेंट्री कैसे करनी है मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्रिकेट वाले मैच बनाने जा रहे हो,
सब क्रिकेट की काफी सारी वीडियोस देख लेना। अब कोर्स यार आप लोग देखते होगे तभी इस तरह की वीडियो बनाने का सोचने जा रहे हो। वैसे इस टाइप की वीडियोस बहुत ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, और जब T20 होता है या कोई भी वर्ल्ड कप वगैरह होती है उस समय तो आपके लाखों व्यूज पक्का जाएंगे, मिलियन भी काफी बार क्रॉस कर जाएंगे। उस महीने में आपकी जो अर्निंग रहेगी ना पहले के 4-5 महीने से डबल होने वाली है। अगर आप पहले 20 या 30 हज़ार कमाते थे सो ये जो वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं इसमें आप लाखों कमा सकते हो, बहुत आसानी से कमा लोगे, बहुत ईजी कमा लोगे। देखो मैंने क्या किया, सिंपल इसमें एडिटिंग की और कुछ भी नहीं किया, इसी तरह आपको एडिट करना है और अपलोड कर देना है। देखो क्या है, सिंपल से मैंने मैच को, एक छोटे से मैच को मैंने एडिट किया गेम खेल के, और कुछ नहीं किया है। अच्छी तरीके से आपको भी करना है और कुछ भी नहीं करना होगा। अब तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इस टाइप की कंटेंट जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर आप इसमें अच्छी कमेंट्री करते हो, अगर आपकी कमेंट्री लोगों को पसंद आती है तो आपको स्पॉन्सर्स भी मिलेगा, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। सो लाइक शेयर के लिए जरूर बोलते रहना, क्योंकि आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो एक जिसमें आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, और इस तरीके की वीडियोस को वायरल करने के लिए लोगों को कहना पड़ता है भाई करो, तो आप लोग भी क्यों बैठे हो, अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलता है अपनी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।